हम बोकारो से पीछे हैं, यहाँ से और भी धनबाद 60 किलोमीटर है, चल के देखते हैं कुछ नाश्ता वगैरह मिलेगा तो नाश्ता कर लेते हैं। हो गया है, गाड़ी खाली होगा बरमसिया में, जहाँ पे पहले का एड्रेस था वहाँ से और भी 10 किलोमीटर आगे। गाड़ी पे जो एड्रेस है वो धनसरा का है, गाड़ी खाली होगी बरमसिया में। ये बोकारो बाईपास रोड है, अब पीछे एक मोड़ था, हमको थोड़ा रोड समझ में नहीं आया। मैं मैंने एक जगह 26 टन खाली होगा, एक जगह 2 टन खाली होगा, मतलब दोनों का डिफरेंस है 20 किलोमीटर के लगभग। मछली जो है सरसों में बढ़िया बनता है। फाइनली हम पहुंच गए अपने गोडाउन पे, और ये धनबाद के अंदर बीच में है, स्टेशन पार करके इस जगह पे आना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपको हमारे एक नए ब्लॉग में। तो हम अभी रामगढ़ से पीछे है, और यहाँ से 3-4 किलोमीटर आगे रामगढ़ घाटी है, यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है पूरा, देखिए 6 भाषाओं में बोर्ड लगा है। तो ये बोर्ड पे लिखा गया है कि आगे खतरनाक घाटी है। आप लोग देखिए अगले ब्लॉग में, हम पिछले टूल टैक्स पे सोए जो यहाँ से 5 किलोमीटर आगे है। तो अब यहाँ से सुबह के 8 बज रहे हैं, मुँह हाथ धो लिए हैं और चलते हैं चाय पीकर और अपने ट्रिप को कंटिन्यू करते हैं। ये रहा सामने होटल, और देख लीजिए ऐसे हमारा गाड़ी का लिफ्ट उठा हुआ भी है, थोड़ा ब्रेक कम लग रहा है तो इसीलिए यहाँ रोक लिए कि थोड़ा गाड़ी ठंडा हो जाएगी, फिर घाट ढूंढने में आसान रहेगा। तो यहाँ आ गए होटल में, थोड़ा चाय पी लेते हैं। तो हमारा चाय पीना हो गया, अब यहाँ से चलते हैं और सामने घाट आएगा, घाट उतरते हैं। घाट उतरने के बाद नीचे से राइड मार के बोकारो जाते हैं, और बोकारो होते हुए धनबाद। तो चलिए अब चलते हैं। तो गाड़ी का ब्रेक फेल हुआ है, तो गाड़ी कहाँ गई है? का ब्रेक फेल हुआ है मतलब गाड़ी स्पीड पीछे से आप फुलाइएगा तो आपका ब्रेक फेल हो गई। तो कभी भी घाट जो है स्लो डाउन गियर में उतारना चाहिए। मैं अभी 4 नंबर में उतार रहा हूँ, क्योंकि हमारे गाड़ी में लिफ्ट वो उठा हुआ है, लिफ्ट उठने की वजह से कोई भी 12 चक्का या 14 चक्का उसमें ब्रेक कम लगता है, तो इसलिए मैं करके उतार रहा हूँ भाई, 4 नंबर में उतार रहा हूँ धीरे धीरे अपना गाड़ी। जिनको जाना है वो ओवरटेक करके जाए, साइड दे दिया हो। कभी भी घाट में गाड़ी स्पीड नहीं चलाना चाहिए। वही देखिए, वो गाड़ी का ब्रेक फेल हुआ, मजबूरी में ऊपर चढ़ाना पड़ा, कितना नुकसान हो गया। अगर नुकसान का तो गोली मारिए, कुछ भी हो सकता था, आपकी जाने जा सकती थी, तो बच गया। तो दोस्तों अभी घाट हम उतर गए, और रात को हम इसीलिए नहीं उतरे क्योंकि रात में घाट का आइडिया नहीं लगता है कितना डाउन है कितना नहीं। कभी भी अनजान रोड हो तो घाट सेक्शन आए तो रात में ना उतरे या चढ़े, सुबह चढ़े उतरे, क्योंकि आपको आइडिया नहीं लगेगा कितना चढ़ाई है कितना डाउन है। तो इसीलिए करके हम रुक गए, अब चलते हैं, आगे से हमको दाहिने घूमना होगा। फ्रेंड्स, दिन के 10 बज चुके हैं और हम बोकारो से पीछे हैं, यहाँ से और भी धनबाद 60 किलोमीटर है, तो थोड़ा रोक लिए गाड़ी के टायर वायर देखने के लिए। तो चलते हैं, टायर तो गर्म है, और थोड़ा पास में होटल है, चल के देखते हैं कुछ नाश्ता वगैरह मिलेगा तो नाश्ता कर लेते हैं। इसमें हम आ गए हैं, और यहाँ हम नाश्ते में बोले हैं आलू का भुजिया और रोटी है, प्याज है और अचार है। तो चलिए खाते हैं, खा के फिर निकलेंगे। और पार्टी से हमारा बात हो गया है, गाड़ी खाली होगा बरमसिया में, जहाँ पे पहले का एड्रेस था वहाँ से और भी 10 किलोमीटर आगे। तो चलिए खा के चलते हैं। हमारा नाश्ता हो गया,
और टायर देखना था, टायर देख लिए, पार्टी से भी बात कर लिए। पार्टी जो है हमें बुला रहा है, देखिए अलग जगह पे वो लोकेशन, चलिए आपको बताएंगे। पहले माने गाड़ी पे जो एड्रेस है वो धनसरा का है, लेकिन धनसरा में गाड़ी नहीं खाली होगी, गाड़ी खाली होगी बरमसिया में। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं। अभी हम बोकारो में हैं, ये बोकारो बाईपास रोड है। अब पीछे एक मोड़ था, हमको थोड़ा रोड समझ में नहीं आया, मैप में दिखा रहा है बोकारो सिटी में, तो थोड़ा पूछ लिए वो गाड़ी वाले भैया से। शाम के 3:30 बज रहे हैं और हम धनबाद के पीछे खड़े हैं। ये एक टूल टैक्स है, देख लीजिए यहाँ पे, ये टूल टैक्स है। और पार्टी से हमारी बात हुई तो पार्टी बोला कि भैया आज गाड़ी नहीं खाली करेंगे, क्यों, 2 पॉइंट माल है। आज गाड़ी खाली भी होगा तो गाड़ी एक दूसरा पॉइंट माल खाली नहीं हो पाएगा, वही पार्टी खाली करवाएगा, मैंने दो जगह, और लोकेशन दोनों जगह का चेंज है। बोला कि कल सवेरे गाड़ी खाली होगा, पहला मैंने एक जगह 26 टन खाली होगा, एक जगह 2 टन खाली होगा, मतलब दोनों का डिफरेंस है 20 किलोमीटर के लगभग। तो बोला आज गाड़ी मत खाली करिए, आज नहीं होगा, खाली होने के बाद फिर रास्ता तिरपाल खुल जाएगा और गाड़ी खड़ी हो जाएगी, तो रात में चोरी का भी डर है और ऊपर बरसात भी हो रहा है। बोला कल सवेरे खाली करते हैं और फिर दूसरी जगह जाके खाली करवा देंगे शाम होने से पहले। तो चलिए हम भी रोक लिए यहाँ पे, बोले अब कहाँ आगे जाएं, यहाँ से 20 किलोमीटर है, झरिया में हमारी गाड़ी खाली होगी। तो चलिए अब चलते हैं, थोड़ा इसी घूम रहे थे, चाय वगैरह पीते हैं और देखते हैं यहाँ पे रुकने लायक होगा तो यहीं पे रुक जाएंगे, नहीं तो रात को जब थोड़ा फांका होगा 8 बजे तो ले जाके गाड़ी वहाँ पे ढुका देंगे। गोडाउन पे लोकेशन दे दिया है, चाय पीने चल रहे हैं, उधर एक होटल है। दोस्तों आ गए हैं चाय दुकान में और थोड़ा पेटिस खा रहा हूँ, हल्का फुल्का है। तो हम अभी उसी टूल टैक्स पे खड़े हैं, अभी 8:30 बज रहे हैं। तो पार्टी से बात किए, पार्टी बोला कि एक काम करिएगा, गाड़ी सुबह भोर में 4-5 बजे लगा दीजिएगा, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, पास में जेल भी है और बच्चों लोग का जेल है, जो कम आयु के माने जो बालक हैं, जो नाबालिग में है उनका जेल है, वहीं पर गोडाउन है साथ में, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, भोर में ले आके लगा दीजिएगा। तो हम भी बोले चलो यहीं पे रुक जाते हैं, अब आगे आइडिया नहीं है होटल मिलेगा नहीं मिलेगा, ये जगह फ्रेश है, ज़्यादा दूर है भी नहीं, 1 घंटा गाड़ी चलाएंगे पहुँच जाएंगे। तो अब चलते हैं, पास में होटल है, खाना वगैरह खा लेते हैं पूरा होटल और यहीं पर आराम करते हैं, यहाँ से 3-4 बजे उठ के चल देंगे, 5 बजे पहुँच जाएंगे। अब देख लीजिए यहाँ बहुत सारा गाड़ियों भी लगा है, सब ड्राइवर भाई लोग आराम कर रहे हैं, मैं भी चलता हूँ खाना खा के आता हूँ। और यहाँ 1/2 घंटा पहले बारिश हो रहा था, अच्छा खासा बारिश हुआ 1 घंटा ले अभी, लेकिन बारिश बंद है। अब देखिए हम लोग वहाँ लोड कर रहे थे महाराष्ट्र में, तो सोच रहे थे कि बारिश अब नहीं होगा, दुर्गा पूजा बीत गया, और देखिए यहाँ आए तो बारिश हो रहा है। अच्छा कि हम 4-5 गो तिरपाल था जो सब डाल के बांध दिए, क्योंकि ये माल भीजना नहीं चाहिए, बहुत खतरनाक माल है ये सब, अनाज जो भी है भीजना नहीं चाहिए, नहीं तो 1 रुपये भाड़ा नहीं मिलेगा। तो 4 गो तिरपाल डाल दीजिए, बढ़िया से डाल के बांध दिए हैं। अब चलते हैं होटल में, ये रहा सामने होटल। तो दोस्तों हमारा खाना लग चुका है और अब आज खाने में हम बोले हैं फिश, मछली है और ये देखिए पूरे सरसों में बना है लग रहा है, रोटी मिर्ची प्याज है। तो चलिए खाते हैं, थोड़ा झारखंड का फिश देखते हैं, देखने से बढ़िया बना है, क्योंकि मछली जो है सरसों में बढ़िया बनता है और सरसों में जब बनता है तो उसको देख के ही अच्छा लगता है। खाते हैं, बढ़िया बना है। दोस्तों हमारा खाना हो गया, अब हम फिश खाए, बड़ी अच्छा लगा होटल में और बढ़िया बनाए थे, ताजा मछली था इसीलिए बढ़िया लगा वो। तो चलिए अब यहीं आराम करते हैं, अब मिलते हैं फिर सुबह, यहाँ से 3 बजे उठ के निकलेंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, वहां से फिर सुबह अनलोडिंग पॉइंट तक 5-6 बजे तक पहुंच जाएंगे, तो आप लोग को सब दिखाएंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, 3:00 बज रहे हैं और हम जग चुके हैं ऑलरेडी, मुँह हाथ धो के एकदम फ्रेश हो गए हैं। अब थोड़ा चलता हूँ पानी लेने के लिए, पानी नहीं है, पानी यहाँ पीछे होटल में मिलेगा और फिर अपने सफर पे निकलते हैं। और
यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, 8 किलोमीटर आगे जाके राइट हमको कट जाना है झरिया रोड में, तो चलते हैं। यहाँ पानी मिलेगा, अंधेरा हो गया, लाइट चला गया। चलिए दोस्तों निकलते हैं और आगे पेट्रोल पंप आएगा, यहाँ पानी तो नहीं मिला, पेट्रोल पंप में पानी ले लेंगे, तो चलते हैं। अभी करंट आ गया, करंट पता नहीं क्यों आ रहा है जा रहा है। सुबह सुबह 4 बजने वाले हैं और चाय पी रहे हैं, ये है चाय दुकान, तो सुबह का पहला चाय है, बड़ा गर्म है। दोस्तों हम एकदम धनबाद में पहुंच गए हैं और ये नो एंट्री जगह है। अभी समझ में हमें आया पार्टी क्यों नहीं बुलाया कल दिन में, क्योंकि इस जगह पे गाड़ी रात को ही घुसेगी। और देख लीजिए कितना पतला रास्ता है, माने एकदम हम रेलवे लाइन के बगल से जा रहे हैं और सिंगल रोड है, और इसी में अगर सामने से गाड़ी आ जाएगी तो गाड़ी निकल नहीं पाएगी एकदम। अब हम गोडाउन पे पहुंचने वाले हैं, थोड़े ही दूर पे गोडाउन है सामने, तो चलते हैं। तो फाइनली हम पहुंच गए अपने गोडाउन पे और ये मतलब फैक्स है जो ब्लॉक डिपार्टमेंट के अंदर आता है, और यहाँ पास में ही FCI का भी गोडाउन है, तो एकदम हम मतलब धनबाद के अंदर बीच में है, स्टेशन पार करके इस जगह पे आना पड़ता है। तो चलिए फाइनली पहुंच गए और बड़ी मुश्किल से पहुंचे, बीच में हम रास्ता भी कुछ भूले थे, गाड़ी रिवर्स भी करना पड़ा, बहुत परेशानियां हुआ। चलिए फाइनली लेकिन पहुंच गए, तो अब गाड़ी लगा दिए हैं, अब बाबू लोग आएंगे 10 बजे, उसके बाद जो होगा होगा। और कल हमारी गाड़ी यहाँ दिन में आ नहीं सकती थी, दिन में आने के लिए पूरा धनबाद शहर पार करना पड़ता है, जो कि पॉसिबल है, इतनी बड़ी गाड़ी नो एंट्री रहेगा, आपकी गाड़ी आ नहीं सकती है। तो चलिए अच्छा हुआ कल नहीं बुलाया पार्टी, पार्टी को मालूम चल गया इसीलिए नहीं बुलाया कि दिन में गाड़ी ढुकेगी नहीं। तो अब चलते हैं, अब चाय वगैरह पीते हैं और इंतजार करते हैं। 7 बजने वाले हैं, हम भी चाय वाय पी लिए, बाहर गए थे चाय पीने के लिए, पास में ही सब दुकान है, मतलब अगल बगल पूरा घना एरिया है, आबादी ये क्षेत्र है, उसी बीच में गोडाउन है। तो अब हम इंतजार करते हैं, बाबू लोग 10 बजे आएंगे, उसके बाद जो होगा होगा, तो चलते हैं। अब इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।